हे गाइस आज आई एम गोइंग टू शो यू फाइव आई मेकअप लुक्स जो मैं सिर्फ एक पैलेट से क्रिएट करने वाली हूँ इससे पांच लुक्स क्रिएट करूंगी जो आपके इस वेडिंग सीजन को बहुत अच्छे से रैपअप कर सकते हैं सो so, इस पैलेट में पहले तो आपको मिलते हैं कुछ वार्म टोन कलर्स लाइक ब्राउन फैमिली के कलर्स एंड ब्लैक एंड व्हाइट भी मिलता है देन यहाँ पर है मेरे पास कुछ कूल टोन कलर्स पिंक एंड वॉयलेट एंड ब्लू एज वेल सो फर्स्ट लुक इज गोइंग टू बी अ डे टाइम लुक आप इस लुक को किसी भी छोटी मोटी सेरेमनी में कैरी कर सकते हैं जो शादी से पहले सेरेमनीज होती हैं एंड इसके लिए मैंने पिंक कलर लिया है क्योंकि डे टाइम में ना हम बहुत सॉफ्ट एंड सटल कलर्स लेते हैं आप ब्राउन ले सकते हैं पिंक ले सकते हैं ऑरेंज ले सकते हैं जो भी कलर हो बहुत सॉफ्ट एंड बहुत ही सटल सा होना चाहिए बस आप चाहे तो इस लुक को ऐसे ही कैरी कर सकते हैं बट आई जस्ट वॉन्टेड लिटिल बिट सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ पिंक शिमर आई शेडो एंड जस्ट लुक एट इट्स पिगमेंट इट इज सो ब्यूटिफुल एंड जो इसके शिमर पार्टिकल्स है ना वो बहुत ही फाइन है सो so, ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ लाइक चमकीला सा लगा रखा है अपनी आईस पे इट लुक्स वेरी एफर्टलेस एंड वेरी सॉफ्ट सेकेंड आई लुक इज गोइंग टू बी फॉर योर हल्दी फंक्शन

Now let's move on to our third eye makeup, which is going to be your cocktail party look. So cocktail party के, के लिए मैंने यहाँ पे लिया है dark blue eye shadow and इसे ना हमें basically eyes के around place करना है। हमें eyes के जो बीच का area होता है ना जहाँ पे हमारा lens होता है वो area बिल्कुल खाली रखेंगे हम and आसपास हमें blue color लगाना है। नेक्स्ट मैंने इसको अपने फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है आप देख सकते हैं मैंने बीच के एरिया में कलर नहीं लगाया है नेक्स्ट आई टुक माई कंसीलर एंड उसको बस बीच में एक एक डॉट लगा ली है एंड अपनी छोटे फिंगर से ही ब्लेंड कर लिया है कभी कबार ना लाइक फिंगर से बेटर ब्लेंडिंग होती है सो so मैं ब्रशेज़ वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ नेक्स्ट आई टुक माई वाइट आई शेडो क्योंकि मुझको ये जो बीच का बेस है ना वो काफ़ी ब्राइट चाहिए था सो so मैंने इसको वाइट आई शेडो से ही सेट किया है लूज पाउडर से भी आप सेट कर सकते हैं बट आई प्रेफर वाइट आई शेडो हमें लेना है अपना डार्क ब्लू आई एंड जो हमने बीच में हॉलो क्रिएट किया है ना उसको थोड़ा स्मूदन आउट करना है मतलब कोई लाइन नहीं दिखनी चाहिए एंड इट शुड लुक लाइक कि आपकी बीच में आइस के बीच में स्पॉटलाइट पड़ रही है नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है मेहंदी ग्रीन कलर एंड इसमें ना शिमर पार्टिकल्स भी हैं सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल विद ब्लू आई शेडो एंड इसको हम बस बीच में प्लेस कर देंगे जहाँ पर भी हमने वाइट आई शेडो लगाया था एंड अगेन आई यूजिंग फिंगर्स क्योंकि जो शिमर आई शेडोज होते हैं ना वो फिंगर से बहुत अच्छे ब्लेंड होते हैं एंड उनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से आती है सो या दिस वॉज द होल लुक एंड यू आर रेडी फॉर योर कॉकटेल पार्टी

ब्रगन्धी स्मोकी आइस सो so, यहाँ पे मैंने लिया है ब्रगन्धी कलर जो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि इट वॉज हाईली पिगमेंटेड मतलब एक ही स्ट्रोक में इतना अच्छा कलर आ रहा था सो so, मैंने इसको बेसिकली अपनी आइस के सॉकेट पर लगाया है एंड इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ पेंट कर दिया है नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक माई ब्लैक आई शेडो यूजअली मैं ब्लैक काजल यूज़ करती हूँ टू मेक अ डार्क बेस बट इसका जो ब्लैक आई शेडो है ना वो काफ़ी अच्छा है आई I मीन mean, ब्रश से इतना अच्छे से पिक नहीं कर पा रही थी मैं

फिर मैंने लिया अपना शैंपेन शिमर आइस शेडो एंड उसको आइस के बीच में प्लेस कर लिया एंड दिस जस्ट एम्पलीफाइड माई होल लुक टू अनदर लेवल इट लुक सुपर अप एंड सुपर हॉट लास्ट लुक इज गोइंग टू बी फॉर शादी सो so शादी के लिए ना मैं बहुत सारे लुक्स ट्राई करना चाहती थी बट देन आई थॉट कि लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल क्योंकि हमने काफी एक्सपेरिमेंट पहले कर लिया है एंड आई जस्ट वेंट विद ब्राउन कलर क्योंकि वैन एवर इन डाउट और विस गो फॉर ब्राउन सो मैंने यहाँ पे लिया ब्राउन कलर एंड अपने सॉकेट एरिया में लगा लिया है इसको नेक्स्ट मैंने लिया डार्क ब्राउन कलर एंड जहाँ मेरा सॉकेट लाइक एंड होता है जहाँ मेरी सॉकेट की डेप्थ है बेसिकली वहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन आई प्लेस कर दिया एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया फिर मैंने लिया अपना कंसीलर टू मेक अ कट क्रीज यस मैं यहाँ कट क्रीज करने वाली हूँ एंड कट क्रीज मैंने कर ली है एंड uh, आप चाहे तो लाइक नॉर्मल शिमर से भी कट क्रीज बना सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला है कि प्राची यू ऑलवेज़ यूज़ कंसीलर बट हम तो शिमर से ही बना लेते हैं सो इट्स योर चॉइस आप शिमर से बनाना चाहें तो शिमर से बना लीजिए बट आई फील लाइक कि कंसीलर से ना बहुत क्लीन लुक आती है नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है वाइट आई एंड उसको अपने आई इनर कॉर्नर में प्लेस कर दिया है फिर मैं लूंगी यहाँ पर येलो आई शेडो एंड उसको मैंने आइसक्रीम मिडल में प्लेस किया है एंड जिसका ट्रांजेक्शन होता है ना येलो एंड वाइट का वो बहुत स्मूथ लगता है एंड इट जस्ट गोज वेरी वेल विथ ब्राउन नेक्स्ट आई टुक माय ब्राउन आई शेडो एंड उसको मैंने अंदर की तरफ प्रिंट किया है ताकि जो कटक्रीज है ना वो ऐसा ना लगे कि लाइक लाइन आ रही है बीच में फिर आई टुक माई आई लाइनर एंड जस्ट मेड अ सिंपल विंग आई लाइनर ऑन माई आईज आप चाहे तो इसको स्किप कर किसी मस्कारा भी लगा सकते हैं बट जो कि मेरी लास्ट लुक थी सो आई थॉट कि लाइनर लगाई लेती हूँ यार अब तो मैं पहले के लुक से मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे बार बार मेकअप वाइप ऑफ करना था एंड एनी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इनसाइट का uh, liquid eyeliner and then i'm going to use mars kahi mascara and yeah that's it these were the five eyeshadow looks that i created with just one mars ka eyeshadow palette and i just absolutely love this palette cookie aap like both creative uh, eyeshadow looks se kar sakte secret and you can just let your imagination run wild एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो दिस विल रियली सेव योर वेडिंग सीजन मैं तो इन मेकअप लुक्स को जरूर ट्राई करने वाली हूँ एंड इफ यू ट्राई इट एज वेल प्लीज लेट मी नो लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय।